चाहिए किस निर्णायक तिथि को एग्जाम होगा या क्या पद्धति रहेगी बारहवीं क्लास की, तो वो मेरे ख्याल से बेटर है। डॉक्टर रवि मलिक, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं न अस्पतालों में हमें बेड्स मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं एम्बुलेंसेस कतार खड़ी लाइनें लगाकर अस्पताल के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है इमरजेंसी में जिन पेशेंट्स को एम्बुलेंसेस में लाया जा रहा है। ये हालात विकराल हो रहे हैं और अब नहीं हम समझेंगे तो कब समझेंगे? डॉक्टर मलिक, बहुत ज्यादा विकराल हाल हो रहे हैं और हम लोग ऑल टाइम हाई पीक के ऊपर हैं और सबसे बड़ी चीज है अभी पीक आई नहीं है, डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये हम लोग ऑलरेडी अमेरिका को और ब्राजील को तो बहुत पहले पीछे छोड़ आए हैं और अभी ये हालात ये हैं कि आने वाले समय में सरकार को ध्यान रखना चाहिए दवाइयों की, ऑक्सीजन की और ट्रीटमेंट की पद्धति की भी जो है वो कमी पड़ सकती है और लोगों को बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। ये जो कुंभ के मेलों में स्नान हो रहे हैं इतने सारे लोगों के, या जो इतने जमावड़े हो रहे हैं या इतनी रैलीज हो रही हैं, इस वक्त महामारी, इसको हम महामारी कहते हैं, पेंडेमिक का दूसरा नाम है महामारी, यानी कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होना, ये बहुत बड़ी संगीन बात है, चिंताजनक बात है और भयंकर बात है। और ये अच्छा फैसला है कि फाइव स्टार होटल्स को भी जो है वो हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन समस्या बहुत सारी आएंगी क्योंकि फाइव स्टार में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं होंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन उसको भी सरकार धीरे धीरे करके देखेगी। लेकिन स्थिति वाकई भयंकर है और लोगों को अब बिल्कुल बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। सुचरिता जी, आपका एक सवाल का और मैं जवाब दे दूं, वैक्सीनेशन का जहां तक चल रहा है, बच्चों के अंदर अभी तक कोई वैक्सीन इस धरती पे अवेलेबल नहीं है और आने वाले 4 महीने नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक ट्रायल्स नहीं शुरू हुए हैं, तो वो वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, वैक्सीन का बच्चों के लिए जो है अभी थोड़ा पीछे। ये डॉक्टर मलिक मुझे ये बताइए, जो जो बात प्रोफेसर आगी ने कही कि भाई 18 साल के जो बच्चे हैं या फिर कम से कम मैं कह रही हूँ 17 साल के भी जो बच्चे हैं, क्या हम उन्हें वैक्सीनेट करने के बारे में सोच सकते हैं? क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 18 एंड अबव तो एलिजिबल है वैक्सीन के लिए? बिल्कुल विकल्प हो सकता है, अगर सरकार थोड़ी सी डोजेस फाइजर की मंगा ले, फाइजर एक वैक्सीन है जो कि 15 साल के बाद में दी जा सकती है, तो 15 से 18 साल के अंदर हमारे 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चे कवर हो जाते हैं, तो अगर फाइजर को रिक्वेस्ट करके वो वैक्सीन ले ली जाए तो हम जून तक अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर देंगे, फर्स्ट डोज लगेगी, सेकेंड लगेगी, 2 हफ्ते और देंगे तो बच्चे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, विकल्प ये निकाला जा सकता है जो कि बहुत अच्छा विकल्प हमारे सामने है। दूसरे ट्रायल्स भी शुरू हो सकते हैं जिससे कि वैक्सीन आ जाएगी। जहां तक अभी की स्थिति की बात है, एज ए प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैं बताऊं, बड़ा मुश्किल है इस वक्त क्योंकि 35 लाख बच्चों को इकट्ठा करना, सब टीचर्स को इकट्ठा करना, कोविड को सबको फॉलो करना, बच्चे हैं समझते हैं नहीं समझते हैं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी करेंगे, झुंडों में भी जाएंगे और मास्क भी 4-4, 6-6 घंटे शायद ना पहन पाए, तो मेरे ख्याल से अभी तक का डिसीजन तो ठीक है, लेकिन फाइजर से अगर हम वैक्सीन ले लें तो हमारे 10वीं 12वीं दोनों के बच्चे बच सकते हैं। जैसा प्रोफेसर जैसा डॉक्टर रवि मलिक कह रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करना, बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन 17 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोसेस में इनिशिएट किया जा सकता है, ये एक विकल्प हो सकता है, और उसके लिए क्या क्या इंतजामों की जरूरत होगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर मलिक के जो वैक्सीन है उनकी कमी की बात कई राज्यों से आ रही है कि उनके पास नहीं है, ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेट करना जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है ये कैसे डिसाइड होंगे? देखिए, मैंने जैसा कि बताया, जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है वो 18 साल से ऊपर की है, अगर हम बच्चों को वैक्सीन देना चाहते हैं तो हमारे को फाइजर से वैक्सीन लेनी पड़ेगी जो कि 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और उसमें दोनों एज ग्रुप कवर हो जाएंगे, 10वीं क्लास का छात्र 16 साल का होता है और 12वीं क्लास का छात्र 18 साल का होता है, दोनों के दोनों, और 35 लाख बच्चों को कवर करना है तो इसको आराम से कवर किया जा सकता है। 10 मिलियन अगर हम डोजेज लें, आज से लगाने शुरू कर दें, तो महीने 1.5 महीने के बाद में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और उसके बाद में हम 12वीं क्लास की तो परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन 10वीं क्लास का तो इंटरनल असेसमेंट वगैरह करके ही करना वाला विकल्प जो है मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस विकल्प में एक फायदा ये रहेगा, बच्चे ने 10वीं क्लास 11वीं में ही आना, उसकी इंटरनल असेसमेंट होती है, टीचर्स को भी पता होता है, तो उसको सवाल